स्टॉक जिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जेपी पावर के बारे में। यहां पर हम डिस्कस करेंगे क्या होने वाले हैं इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स, क्या होंगे टारगेट्स एंड क्या स्ट्रेटजी हम लेकर चलें 22 मार्च के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर ट्रेडेड प्राइस की। 7 रुपये पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है और देखिए यहाँ पर साइडवेज की तरह बिहेव करता हुआ नज़र आया। डेली चार्ट बेसिस पर आप देख सकते हैं भयंकर गिरावट स्टॉक ने बनाकर दिखाई थी। ऊपर की तरफ एक हाई लगाया था 11 रुपये 19 पैसे का और यहीं से गिरावट हमें देखने को मिली थी, लेकिन नीचे की तरफ एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बरकरार था 6 रुपये 67 पैसे का। और एक और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जिस पर आपको नज़रें बनाकर चलनी है दोस्तों, ये सपोर्ट है 6 रुपये 90 पैसे का, 6.90 का एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट फिर से ब्रेक होता है तो देखिए और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, तो सपोर्ट पर पूरा ध्यान रखना है। बात करें टारगेट्स की, देखिए ऊपर की तरफ अगर तेज़ी यहाँ से देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट 7 रुपये 25 पैसे का अब रहने वाला है। तो ये होने वाले हैं इम्पोर्टेंट लेवल्स और अगर आप इन लेवल्स पर बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ा आपको यहाँ पर वेट करके चलना पड़ेगा दोस्तों। हमारे हिसाब से इन लेवल्स पर बाइंग को अवॉइड करें, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में जेपी पावर होल्ड है कंटिन्यू होल्ड रखें। तो यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है जेपी पावर में। आप चाहें तो अपनी खुद की एनालिसिस, खुद की रिसर्च ज़रूर करके चल सकते हैं। तो यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी। यदि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।